नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसे नए सुपरस्टार यंग स्टार जो कि आगे जाके बॉलीवुड पर राज करने वाले है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले रणवीर कपूर और रणवीर सिंह के फिल्म के कंपेरिजन करने वाले है। रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय के डे टू के कलेक्शन के बारे में और 2011 में आई रॉकस्टार के डे टू के कलेक्शन को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। दोस्तों गली बॉय रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म में लीड रोल में हमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट देखने को मिली है। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो 65 करोड़ बताया जा रहा है और ये फिल्म इंडिया में 3500 स्क्रीन में रिलीज हुई थी। दोस्तों ये फिल्म वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई थी, यानी इसका कलेक्शन डे वन का जो आया था वो 19 करोड़ आया था और डे टू का अब तक का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 15 करोड़ आ रहा है। इसी तरह इस फिल्म का टोटल 2 दिन का कलेक्शन होता है 34 करोड़। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 2011 नवंबर 11 में आई थी फिल्म रॉकस्टार, जिसमें लीड रोल में हमें रणवीर कपूर देखने को मिले थे और नरगिस फाकरी। दोस्तों ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक फिल्म थी जो कि यंगस्टर को बहुत ही पसंद आई थी और मोटिवेशनल फिल्म थी। दोस्तों इस फिल्म को दर्शक और क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले थे। तो चलिए दोस्तों इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रॉकस्टार फिल्म ने 2011 में रिलीज हुई थी और इसका डे वन का जो कलेक्शन था वो 10 करोड़ 60 लाख था और डे टू का जो कलेक्शन था दोस्तों वो 11 करोड़ था। इसी तरह इस फिल्म का डे टू तक का टोटल कलेक्शन था 23 करोड़। पर दोस्तों कंपेयर करें कलेक्शन के बारे में तो ये 2011 का वहाँ उस टाइम बहुत अलग था और ये अभी का टाइम अलग है। पर अभी देखें तो गली बॉय का कलेक्शन ज्यादा है कलेक्शन के मामले में, तो देखना ये होगा कि दोनों का लाइफ टाइम कहाँ तक खत्म होता है। दोस्तों ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना